दोस्तों आज हम देखेंगे DVR का फ्रेमवेयर कैसे अपडेट करते हैं। पहले अपना ब्राउज़र ओपन करें, उसमें टाइप करो CP+DVR फ्रेमवेयर अपडेट डाउनलोड और फिर सर्च करो। फिर नीचे आने के बाद आपको दिखाई देगा CP+ प्रोडक्ट इंस्टॉल फ्रेमवेयर, उस पर क्लिक करना है। फिर एक PDF फाइल ओपन होगी, उसमें अपना प्रोडक्ट का मॉडल नंबर सर्च करो और उसके राइट साइड में फ्रेमवेयर लिंक डाउनलोड करके ऑप्शन है, तो डाउनलोड पे क्लिक करना है। ये हमारे DVR का मॉडल नंबर है, तो हम फ्रेमवेयर डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड होने के बाद हमें वो फाइल पेन ड्राइव में ट्रांसफ़र करनी है। अब पेन ड्राइव को PC से कनेक्ट करेंगे और DVR को राउटर से कनेक्ट करना है लैन केबल से। अब DVR को लॉगिन करेंगे IP एड्रेस थ्रू PC के साथ कनेक्ट करके, उसके बाद सेटअप पे क्लिक करना है। फिर अपग्रेड का ऑप्शन दिखेगा, अपग्रेड के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद ब्राउज़ का ऑप्शन आएगा। हमें पेन ड्राइव में ब्राउज़ करनी है वो फाइल जो हमने डाउनलोड की थी, और अपग्रेड पे क्लिक करना है। फिर एक प्रोसेस चालू होगा, जैसे ही ये प्रोसेस ख़त्म होता है DVR रिस्टार्ट होगा। अब हम VGA केबल लगा के मॉनिटर पे चेक करेंगे अपग्रेड सक्सेसफुल हुआ है या नहीं हुआ है, तो आइए करते हैं। ये लगाई हमने VGA केबल, और अब हम करेंगे लॉगिन। तो दोस्तों आप देख सकते हो अपग्रेड सक्सेसफुली हुआ है। तो इसी तरह से आप भी अपना DVR अपग्रेड कर सकते हो। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।